हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप 10th के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एमटीएस की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है फ्रेंड्स, और इसका न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष होता है और अधिकतम एज जो है वो 25 वर्ष होता है। हालांकि रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष मिल जाता है और SC/ST के लिए आपको 5 साल मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ना वो हर वर्ष आपका लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसीज आती है और प्रत्येक वर्ष इसका SSC के द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये पहला वैकेंसी है फ्रेंड्स जो कि 10th पास होकर आप भर सकते हैं। आते हैं दूसरी वैकेंसी के ऊपर। तो दूसरा वैकेंसी है फ्रेंड्स SSC GD कॉन्स्टेबल। SSC GD कॉन्स्टेबल फ्रेंड्स, इसकी वैकेंसी हर 1-1.5 साल के अंदर तो आ ही जाती है प्रत्येक वर्ष, और अच्छी खासी मात्रा में सीट भी रहती है। 20-25 हज़ार के आसपास सीट रहती है, कभी कभी तो 50 हज़ार भी सीट रहती है। पिछली बार की वैकेंसी में 60 हज़ार सीट थी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर की कुछ एलिजिबिलिटी बात करें तो इसमें आपका हाइट जो है वो कम से कम आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीन्स 5 फुट 7 इंच तो आपका हाइट होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है वो 79 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, मतलब 85 सेंटीमीटर फुला करके आपकी छाती होनी चाहिए, और हाइट जो है आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है कि आप 10th पास है तो इसको भर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स अगली वैकेंसी की। तो फ्रेंड्स, अगली वैकेंसी की बात करें तो ये आपका है रेलवे ग्रुप डी का। तो यदि आप 10th पास हैं तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भर सकते हैं। इसके अंदर कई पोस्ट होता है, जैसे हेल्पर का होता है, ट्रैक मेंटेनर का होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स, और इसको आप भर सकते हैं यदि आप 10th पास हैं तो। हालांकि फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही के दिन एक नया नोटिफिकेशन आया है रेलवे के लिए कि जो भविष्य में वैकेंसियाँ आएंगी रेलवे के अंदर उसमें अब ITI और अप्रेंटिसशिप भी जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ITI और अप्रेंटिसशिप जो है वो सभी पोस्टों के लिए नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप 10th पास हैं तो आप आसानी से ग्रुप डी की वैकेंसी भर सकते हैं। लेकिन खास बात है फ्रेंड्स कि इसकी वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती नहीं है, आपको ये 2 साल 2.5 साल के बाद आपको नज़र आ जाएगी ये वैकेंसी। तो बात करते हैं अगली वैकेंसी की और। तो अगली वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स स्टेट पुलिस की। तो आप जिस भी स्टेट से, जैसे बिहार झारखंड की बात करते हैं तो स्टेट पुलिस की वैकेंसी आ जाती है 4-5 साल के अंदर तो आ ही जाती है, और इसमें आप मैट्रिक पास है तो इसमें भर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी हाइट की बात करें तो लगभग बिहार झारखंड के अंदर तो होता है कि 165 है आपका हाइट, 165 सेंटीमीटर है, मीन्स 5 फुट 5 इंच है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं दूसरे स्टेट की बात करें यूपी पुलिस की, तो वहाँ पे आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और चेस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो 79 बिना फुलाए हुए और फुला करके 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया जाता है, लगभग 85। तो फ्रेंड्स, ये भी वैकेंसी जो है वो 10th लेवल की होती है मैक्सिमम स्टेट की, और इसमें भी आप मैट्रिक पास हैं तो आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ये आती कब है। तो ये वैकेंसी जो है जनरली प्रत्येक स्टेट में जब नया गवर्नमेंट आता है और गवर्नमेंट जब उनका शासन समाप्त होने वाला होता है तो ही आता है वैकेंसी जल्दी। हालांकि जल्दी ये वैकेंसी देखने को आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी है हमारा नेवी के अंदर। नेवी के अंदर 2 पोस्ट आते हैं फ्रेंड्स 10th लेवल पे। एक आता है आपका स्टीवर्ड का और एक आता है कुक का। कुक मीन्स वही खाना पकाने वाला, और स्टीवर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रबंधक। तो ये 2 पोस्ट जो है वो इंडियन नेवी के अंदर आपको 10th पास के बाद मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये वैकेंसी के अंदर सीट काफ़ी कम होती है, 100-150 के आसपास इसकी सीट होती, सॉरी फ्रेंड्स 400 के आसपास इसकी सीट होती है, 400 से लेकर के 500 के बीच में। और इसकी खास बात है फ्रेंड्स कि ये प्रत्येक वर्ष आपको 2 बार देखने को मिल जाएगी। प्रत्येक वर्ष जो है वो 2 बार ये आ जाती है, एक बार फरवरी मार्च के महीने में आती है और एक बार दिसंबर के महीने में आपको ये वैकेंसी नज़र आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आप 10th पास है तो आप इजीली इसको भर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स इसमें सीट कम होती है तो इसकी इसमें लोग भी बहुत कम अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के, तो इसको आप भर सकते हैं यदि आप 10th पास हैं तो। तो कुछ और वैकेंसी देख लेते हैं फ्रेंड्स जो कि 10th पास के बाद आप भर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो आप 10th पास है तो इसके अंदर भी ये 2 वैकेंसियाँ आती हैं, एक आपका कुक का आता है, एक स्टीवर्ड का आता है। कुक का मतलब तो बता दिए फ्रेंड्स, स्टीवर्ड का मतलब प्रबंधक।
तो ये दोनों वैकेंसी जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी और ये भी प्रत्येक वर्ष आती है। हालांकि इसमें सीट काफ़ी कम होती है फ्रेंड्स, लेकिन सीट कम होती है तो लोग इसमें कम अप्लाई भी करते हैं। तो यदि आप 10th पास है तो इसको आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं ये आती कब वैकेंसी, तो फ्रेंड्स ये भी आपको दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। आप लगातार वेबसाइट को इसका चेक करते रहें इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो आपको ये अपडेट मिलता रहेगा। हालांकि आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं फ्रेंड्स, मैं भी आपको गवर्नमेंट जॉब से सारी रिलेटेड सूचनाओं को मैं आपको देते रहूँगा। इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स आर्मी जीडी की। आर्मी के अंदर जो है वो जनरल ड्यूटी की पोस्ट आ जाती है, जो कि प्रत्येक स्टेट में इसकी वैकेंसी हर 6 महीने में साल भर में आती ही रहती है। लेकिन इसकी बात करें फ्रेंड्स, इसकी खास बात है इसकी हाइट जो है वो 169 सेंटीमीटर आपसे मांगी जाएगी। 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और चेस्ट की बात करें तो वही 79 और फिर फुलाने के बाद जो है वो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप 10th पास हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं आर्मी जीडी, जीडी मींस जनरल ड्यूटी की पोस्ट। और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए यही हमारा थंबनेल था, तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि आप मैट्रिक के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी को भर सकते हैं। तो पहला मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कि आप SSC MTS को अप्लाई कर सकते हैं, ये हर साल आपको आ जाती है और 10,000 के आसपास सीट रहती है। दूसरा मैंने आपको बताया SSC GD, SSC के अंदर जो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रत्येक साल भर के अंदर 2 साल के अंदर जो है GD जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आ जाती है। इसमें सेंट्रल आर्म फोर्स आते हैं, जैसे BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, NIA हो गया, ये सब वैकेंसीज जो है वो SSC के द्वारा इनका एग्जाम लिया जाता है। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं झारखंड पुलिस की या फिर बिहार पुलिस, जो भी पुलिस स्टेट पुलिस होती है फ्रेंड्स, ये भी आपको 10th पास के मिल जाती हैं। उसके बाद भारतीय तटरक्षक, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं 10th पास के बाद। और फिर हमारा आता है इंडियन रेलवे के अंदर ग्रुप डी का पोस्ट और इंडियन नेवी के अंदर MR का पोस्ट, मैट्रिक रिक्रूटमेंट का पोस्ट, और उसके बाद फ्रेंड्स आर्मी GD का पोस्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियां थी जिसको आप 10th पास के बाद इजीली भर सकते हो और अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।